रात में आएगा इसे लेके आऊंगी पहले अभी मैं आ चुका पार्किंग एरिया में, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पार्किंग है और मेरे बाजू में आप देख रहे हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे मतलब छोटे मोटे नाश्ते उससे करने के लिए दोस्तों यहाँ पे होटल है। दोस्तों आप यहाँ पे नाश्ता करके आप अंदर एंट्री मारो कि दोस्तों अंदर खाना थोड़ा बहुत कॉस्टली है, इसकी वजह से यहाँ से आप नाश्ता करके जा सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। और अभी दोस्तों मैं आपको मेन इंटरेस्ट दिखा दूँ, दोस्तों अभी आपको मेन एंट्रेंस दिखा दूँ। तो मेरे बैक साइड आपको दिख रहा है वो मेन एंट्रेंस है। और दोस्तों चलो अभी मैं अंदर जाता हूँ, अंदर के बहुत सारे आपको स्लाइड दिख। हेलो गाइस, आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा वेट एंजॉय के बारे में, गाड़ी से लेकर अंदर तक का। अगर आप कार से आते हो फोर व्हीलर से तो यहाँ पे जो पार्किंग होती है उसका चार्ज है 100 रुपीज़ गाड़ी पार्क करने का, बट आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती है यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए। ये दोस्तों पूरा कैमरे के सामने रहेगा, अगर बाहर लाओगे तो चोरी भी हो सकती है। चलो अभी हम आपको वेट एंजॉय अंदर से भी दिखा दो, बाहर से देखो कितना ग्रैंड दिखता है। तो उन्होंने काफ़ी खर्चा भी तो किया है वेट एंजॉय वाले ने, पहले वाटर पार्क था अभी थीम पार्क भी आ चुका है। तो दोस्तों हमने ऑनलाइन देखा था कुछ 1700-1800 में दोनों टिकट था, थीम पार्क एंड वाटर पार्क, उसमें बफेट था नहीं। तो अभी हम ऑनलाइन टिकट नहीं निकाल के सुबह उठ पाया तो काफ़ी लंबी लाइन लगा कर बैग चेक करना, किसी ने तम्बाकू तो नहीं कैरी नहीं किया, बीमा तो नहीं कहीं कैरी किया, वो सब चेक करने के बाद मैं अंदर आ गया। दोस्तों मेरे को खा कर लिया अंदर, देखो कितना क्राउड है, हजारों पब्लिक आई है, हजारों पब्लिक काफ़ी शक्ति तो अभी हम अंदर को अंदर कितना लेवल क्राउड है। अभी दोस्तों देखो यहाँ पे इतना दोस्तों जा चुके टिकट में लाइन लगाने को, और क्या चार्ज पड़ता है कि ऑनलाइन तो मैं 1700-1800 में देखा टिकट का, और अभी यहाँ पे क्या चार्ज इनको पड़ता है वो हमने वो देखा है। वो भी दोस्तों मैं आपको आस पास की सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ कि दोस्तों बच्चों को यहाँ पे हाइट वाइज एंड साइज वाइज भी पैसे लग रहे हैं, बच्चों का चार्ज अलग है, बड़े लोग हाइट का चार्ज अलग है। दोस्तों और बेसिकली हाइट वाइज से दोस्तों आपको वाटर पार्क में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी बड़े बड़े वाटर पार्क में घुसते नहीं देखते। चलो अभी मैं आपको हेलो गाइस, दोस्तों अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी यहाँ पे टिकट काउंटिंग, टिकट कैसे निकालना है, अगर आपने ऑनलाइन निकाला तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ये सब आपको मैं बताऊँगा। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल बने हुए हैं, वो सारे स्टॉल आपको दिखाऊँगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों डांस भी हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे डांसिंग भी हो रहा है, काफ़ी डांस वांस फन चल रही है यहाँ पे, लड़के लोग डांस करते हैं कि वो अपने दोस्तों को यहाँ पे टिकट निकाल देते हैं, तो बोल तो हमें यहाँ पे मज़े ले लो डांस करते कर। तो क्या तो अभी काफ़ी अच्छा डांस हो रहा था और अच्छा फन भी मज़ा भी आ रहा था। तो मैं आपको और भी कुछ दिखा दूँ, तो देखो यहाँ पे पूरा वेट एंजॉय का काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मतलब पैसा वसूल तो हो रहा है कुछ नहीं। तो अभी टिकट भी आ गया दोस्तों, हमको ये टिकट पड़ा 2150 रुपया खाने के साथ वाटर पार्क एंड थीम पार्क दोनों का, तो 2100 में ये टिकट हमको पड़ा है। और खाना किस तरह मिलता क्या मिलता वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी दोस्तों। चलो अभी टिकट तो हमने हाथ में बांध के कंपलसरी हाथ में लगाना, कि बाई चांस टिकट गिर गया या गुम हो गया तो क्या हो सकता है, या आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो चलो अभी यहाँ पे भी लाइन लगाना पड़ेगा, इधर भी चेकिंग दोस्तों, चेकिंग काफ़ी यहाँ पे है हो रही है, और क्राउड कितना है दोस्तों, कितना वेट करना पड़ता है मुझे हर एक स्लाइड के लिए, हर एक झूले के लिए। तो दोस्तों अभी मैं अंदर एंट्री मार रहा हूँ अभी मेन वाटर पार्क में, दोस्तों तो अभी आपको मैं वाटर पार्क के अंदर राइड्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने अंदर एंट्री मार दिया है, चेकिंग हमारा हो चुका है, तो चेकिंग करने के बाद मैंने अंदर विजिट कर दिया है। तो पूरा ग्रुप अभी मेरा ग्रुप देखो, पूरा ग्रुप अंदर आ चुका है। हाय गाइस, दिस इज द वेट एंड एंजॉय, दिस इज द तो उसको देखते हुए हम लोग अंदर आ चुके। सब दोस्तों ने उसको देखा,
कितने थड़के लोग रहेंगे लोग अभी अंदर जा रहे। देखो क्या क्या हमने बनाया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा काफ़ी ग्रैंड बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे पानी का फव्वारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको देखते हुए। अंदर हम लोग गुजर गए जा रहे अंदर, और काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन की है, काफ़ी अच्छे। और यहाँ पे मस्ती उसकी हमारी चल रही है, तो चलते चलते हमें अंदर भी पहुँचना है। तो दोस्तों काफ़ी ग्रैंड में मज़ा है, काफ़ी बनाया, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खर्चा किया इनोवेटम जॉय वाले ने। दोस्तों खर्चा तो किया हुआ है, बट हमें कितना फ़न मिलता है, कितनी मतलब कितना स्लाइड हमें मिलता है विदाउट लाइन लगाना, और क्या क्या अंदर होता है मैं आपको सब बताऊँगा इसके अंदर। अभी भी हमें यहाँ पर जाके थोड़ा यहाँ पर भी रुकना है। दोस्तों तीन जगह हमने रुका, एक स्टार्टिंग में, एक बीच में, एक यहाँ पर। तो रुकने के बाद यहाँ पर भी हम लोग अंदर आ चुके हैं, इसके बाद भी मुझे यहाँ पर भी रुकना है। टोटल चार जगह रुकना पड़ता है दोस्तों, चार जगह, और काफ़ी तंग आ गया था। मतलब चार जगह बैग चेक करवाना, जेब चेक करवाना, फिर अंदर घुसना, इतना मतलब इतना हाई स्पीड। दोस्तों पानी की भी प्रॉब्लम है, प्लस पानी में कोई गंदगी कोई चीज़ ना मिलाते हुए, तो काफ़ी मस्ती उसके करते हुए, काफ़ी अंदर घुसते हुए, चेकिंग करवाते हुए, तो काफ़ी टाइम भी चला गया। कम से हमारा नहीं तो डेढ़ दो घंटा हमारा भारी जा चुका था, और हमें जल्दी से जैसे घूमना निकलना भी था। तो अभी मस्ती करते हुए अभी अंदर घुसना भी, लोग क्या बोलूँ कि चार चार बार चेकिंग करें, टाइम वेस्ट करें, टाइम ना ख़त्म हो जाए। कि दोस्तों अंदर से जो एक्साइटमेंट है कि अंदर झूलना है, आज कुछ ना कुछ तो आज करना है, तो उसकी जो एक्साइटमेंट है, देखो यहाँ पर आ गया। अभी मैं पे टिकट स्कैन करूँगा तो ये खुलेगा, तो ये भी खुल चुका है। और हम अंदर आज अंदर क्राउड लेवल देखो दोस्तों, कितना क्राउड है, कसम से इतना ज़्यादा क्राउड। मेरे को स्लाइड मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे? मैं अंदर आ चुका वाटर पार्क, अभी मैं आपको वाटर पार्क के सारी स्लाइड्स आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो देखते रहना एंड तक। तो दोस्तों हमने लॉकर ले लिया, तो तीन लॉकर हमको पड़ा 600 रुपये का, और 750 रुपये हमसे लिया गया, 1000 रुपये लिया गया एक लॉकर का, 250 रुपये कुछ लिया, 300-400 रुपये डिपॉजिट अमाउंट। बट दोस्तों लड़के लोग अभी देखो मत, कि अभी यहाँ पे कपड़े चेंज होगा, और हमारे जो मोबाइल वोबाइल है वो अंदर डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तो ये सब करना पड़ेगा अभी। और दोस्तों यहाँ पे क्या थोड़े बड़े बड़े पेड़ आ गए बीच में, तो आपको सॉरी पेड़ का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, सॉरी दोनों के पेड़ सामने दिख रहे हो। दोस्तों अभी मैं चेंजिंग के लिए आया था, मैं चेंजिंग कर लिया है, अभी जा रहा हूँ मैं दोस्तों डुबकी मारने, अभी डुबकी मारने जा रहा हूँ, सारे स्लाइड दिखाऊंगा आपको, एक से एक वर्ल्ड क्लास स्लाइड आपको मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट करूँगा। दोस्तों हम वाटर पार्क घूम के आ चुके हैं, मैं आपको सच बोलूँगा ना, जब ज़्यादा क्राउड रहेगा संडे को कभी आना मत, जब हॉलीडे रहेगा उस समय आना मत, यहाँ पर इतना क्राउड था ना, एक एक झूले के लिए मतलब एक एक स्लाइडिंग के लिए हमको ना दो दो घंटा तीन तीन घंटा लाइन पे खड़ा रहना पड़ा। हमें सिर्फ तीन से चार ही स्लाइड में घूमा, बस ज़्यादा नहीं है, मतलब इसके अंदर कम से कम 50 स्लाइड थे और मैं सिर्फ चार स्लाइड घूमा। सोच सकते हो कम से कम 5-6 घंटे में चार स्लाइड, किसको बोलते, कुछ इन्जॉयमेंट ही नहीं मिला, चार स्लाइड। और दोस्तों इतना लंबा लंबा लाइन, मतलब कम से कम नहीं भी ना एक एक स्लाइड में 200-200 लोग खड़े, एक एक स्लाइड में 200-300 लोग लाइन में खड़े हुए। उसके बाद हम थीम पार्क आ गए, और थीम पार्क में देखते कितने लंबे लंबे लाइन मिलते हैं आने के लिए, मतलब घूमने के लिए। तो दोस्तों थीम पार्क को भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी अच्छी मतलब डिज़ाइन सहूलत काफ़ी सब कुछ मिला है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको बता, खाने में तो अनलिमिटेड खाना था अनलिमिटेड, कितना भी खाओ, मतलब खाने में कितना लो गुलाब जामुन कितना भी लो, सब कुछ अनलिमिटेड था। और दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो चलो हम लोग सामने से देखते हैं, यहाँ से हम दूर से झूला तो देख रहे हैं, बट हमको भी तो झूलना है, तो झूलने के लिए सामने कितनी लंबी लंबी लाइन मिलती है पहले जाके वो देख लो, कि आप लोगों को भी आइडिया आ जाए कि जिस दिन हॉलीडे हो उस दिन घूमना सही रहेगा, या जिस दिन हॉलीडे नहीं है उस दिन घूमना सही रहेगा। तो दोस्तों झूले तो एक से हैं यहाँ पर बैठे जाए में, बट मैं यही बोलूँगा कि हॉलीडे में आना मत। हेलो गाइस, दोस्तों अभी मैं थीम पार्क आ चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे टिकट जो मिला टिकट में दोस्तों मेरा वाटर पार्क एंड थीम पार्क कॉम्बो था, दोनों ऑफर मुझे मिले, 1700 का टिकट प्राइस था, जिसके अंदर सारे ऑफर्स इंक्लूडिंग थे। तो अभी चलो दोस्तों, अभी थीम पार्क में कौन कौन से झूले हैं मैं आपको सारे वीडियो इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करूँगा क्या क्या है, तो दोस्तों एंड तक देखने को बने रहे।
तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं आया एकदम फटाक से, एकदम छोटी लाइन थी तो इसलिए मैं इस पर घुस गया। और काफ़ी सारे स्लाइड में गया मैं तो वहाँ पर तो लंबी लंबी लाइन 200-300 लोग खड़े हुए, तो यहाँ पे मुझे फटाक से झूला मिल गया इसलिए मैं फटाक से यहाँ पर आ गया। और दोस्तों खड़े वहाँ पर 200-200 की लाइन पर, तो दोस्तों जिसमें जल्दी मिल जाए मैंने उसमें मौका मार दिया। अभी यहाँ पर क्या जल्दी से मेरी लाइन आ गई और यहाँ पर मैं हार्डली कुछ 10 मिनट खड़ा था। चलो अभी अभी मैं एक झूला को मैं दिखाता हूँ। मैं तो खुद जब भेजा तो मैं अपना मोबाइल अपना जेब में रख लिया कि भाई गिर ना जाए, कि ये झूला थोड़ा यूनिक है, किस तरह घूमता है किस तरह झूलता है दोस्तों, उल्टी भी हो सकती है झूले के अंदर, क्योंकि सब जो घूमने का स्टाइल है वो तो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर दोस्तों जो ये दिया हुआ है यहाँ पर मोबाइल रख सकते हो, अपने सामान रख सकते हो, बस यहाँ पर उनकी गारंटी नहीं है। वहाँ पर बाजू में लिखा भी है कि गारंटी नहीं है हमारी, कुछ भी घूम घूम गया ये बंदा यहाँ पर पहले बोल भी रहा था। तो दोस्तों देखो झूला काफ़ी मतलब इस ये भी काफ़ी हार्ड, इनके पास काफ़ी हार्ड झूला है, मतलब जिनका दिल कमज़ोर हो, जिनकी मतलब कमज़ोर हो तो ना झूले, हट के हाथ में आ सकती है दोस्तों ऐसे ऐसे इनके झूले थे। अब ये देखो, अब ये झूला जो मैं आपको दिखाऊंगा एकदम मैं इस पर बैठा ना उल्ट मतलब 360 डिग्री पर घुमा, 360 डिग्री, ऐसा नहीं जेब से जो सामान तो वो भी गिरने का चांसेस थे, बट मैंने जेब में हाथ रखा पैसे उसके साथ, तो देखो ये पूरा घूम गया, तो कैसा घूमता है देखो, बहुत यूनिक झूले थे। पैसा वसूल तो था बट हम झूल नहीं पाए सारे झूले में, ये अपना प्रॉब्लम था। हमने कुछ 2200 रुपये खर्च किए सिर्फ खाने पीने और स्लाइडिंग में झूले में। यहाँ पर देखो कितना घूम रहा है, 360 डिग्री में ये पूरा घूम रहा है राउंडिंग में। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि दोस्तों आना हो तो हॉलीडे में मत आना, जिस दिन हॉलीडे है तो छोटी मोटी की हॉलीडे जिसमें पब्लिक का क्राउड इतना बाहर ना निकले उसमें आना, नहीं तो झूल नहीं पाओगे सारे झूले में, पैसा वेस्ट जाएगा टाइम भी वेस्ट जाएगा, कि हमने जितना खर्च किया ना उतना इन्जॉयमेंट नहीं कर पाए। सही बोलूँ तो हमारा जो खर्च हुआ है गाड़ी एक्सपेंस सब लेके, तो एक एक बंदे पे 3-3 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है एक एक बंदे पे, और हमने पूरा इन्जॉयमेंट भी नहीं कर पाया, इतना वसी भी नहीं था हमने जो। वही बोलो कि फिर मैंने ये थीम पार्क में सिर्फ 3 से 4 झूले झूले मैंने, और वाटर पार्क में 3 से 4 झूले, थोड़ा मतलब ना मैं एक एक झूला मेरे को पड़ा कम से कम 400-500 रुपया अगर मैं काउंटिंग करूँ तो। तो दोस्तों बहुत महंगा पड़ा, इसलिए बढ़ाओ कि दोस्तों बोल रहे कि काफ़ी जब हमें बोला चलो झूलते हो तो उस दिन उस समय लोग आए नहीं, तो झूला तो दोस्तों एक से एक यहाँ पर झूले की कोई कमी नहीं है, ऐसा ऐसा झूला है यहाँ पर कि देख के मतलब आंखें बाहर आ जाएगी, ऐसे ऐसे यहाँ पे झूले थे राउंडिंग। और दोस्तों मतलब अगर जिसका दिल कमज़ोर हो या जिसकी गांड कमज़ोर हो वो ना झूले यहाँ पर। चलो एक स्लाइड और मिल गया एकदम भाग भाग कर में आया, और इस स्लाइड मुझे खाली मिल गया फटाक से भाग के चढ़ता भाग कर, तो ये भी नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं एकदम फटाफट भाग भाग के आया मैं, और मैं यहाँ पर रुक गया। चलो इसमें भी आ दोस्तों, ये भी बहुत ख़तरनाक झूला है, खतरनाक मतलब इतना भी नहीं है नॉर्मल बट है, अगर जिसका दिल कमज़ोर हो जिसकी वो कमज़ोर हो तो ना झूले इसमें भी। तो दोस्तों ये भी पूरा 160 डिग्री में घूमता है, 90 डिग्री में घूमता है, 90 और 60 डिग्री में ये पूरा घूमता है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा ख़तरनाक था, बवाल था। दोस्तों ये बंदा देखा हाइटेड बंदा आया दिखा मेरे को काफ़ी दूर से, सामने जाके देखा तो पैर के नीचे कुछ था। और ये झूला देखो दोस्तों ये भी खतरनाक बात, इसका जो लाइन देखकर हम लोग चौंक गए, कम से कम 300 पब्लिक खड़ी है देखो वहाँ पे, 300 पब्लिक खड़ी है इसमें झूलने के लिए, तो मैंने ये स्किप कर लिया। दोस्तों भी खड़े थे, दोस्तों हम लोग इसमें 1 घंटा खड़े होने के बाद वापस आ गए, समझ सकते 300 लोग 300 के ऊपर ही लोग खड़े हैं देखो यहाँ पे, बीच में भी आ गए मतलब इतना वहाँ पे इतना 1 घंटा खड़े होने के बाद बीच में आ गए तभी भी नहीं झूले, क्यों
दोस्तों और कम से कम 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है और हम इसकी वजह से काफ़ी सारे स्लाइड छोड़ने पड़ते हैं, तो वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। तो वही बोलूँ दोस्तों, हॉलीडे में जब आओगे ना तो ऐसे टाइम पे आना कि आपको लगे कि भाई पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी, तो उसे टाइम पे आना, नहीं तो दोस्तों झूल नहीं पाओगे, पैसा वेस्ट जाएगा। ये हमने पर झूले पे ना 400-500 रुपये हमारे पर झूले पे गए कॉस्ट, अगर हमने काउंट नहीं किया हो तो। यहाँ पर दोस्तों एक से एक झूले, एक से एक चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब ये सब देख के तो मज़ा तो आ गया, तो अफसोस नहीं है, बट है कि इतना टाइम देने के बाद हमने पूरा इंजॉय नहीं कर पाया। अभी जो हम जा रहे देखने के लिए, काफ़ी यूनिक है गाड़ी वाले, देखो गाड़ी के बहुत यूनिक है दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बट इसके लिए हमने ना दोस्तों सारे झूलों को स्किप कर दिया, ये लास्ट का था, तो इसके लिए हमने यह देखो, हमें जब भी हम लोग खड़े ना वहाँ से बहुत लंबी लाइन, देखो वहाँ पे पब्लिक दिख रही आपको, कम से कम इसके लिए हम लोग 2.5 घंटा खड़े थे, काफ़ी झारे सारे झूले स्किप कर दिए, 2.5 घंटा हम लोग खड़े थे इसके लिए, और हमारे बाद ये झूला बंद हो गया। फिर दोस्तों आप आगे बताता हूँ मैं। चिंगारी निकलती है क्योंकि उसके ऊपर पास करंट है, ऊपर भी और नीचे भी, फिर उससे जब ये चलेगा ना, जब चलता है ना तो लोग करंट चालू कर देते हैं, और जब ये रुकता है, जब टाइम ख़त्म होता है तो लोग क्या करते हैं, करंट बंद कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक जब उतरेगी ना तो करंट ना लगे। फिर दोस्तों नीचे भी करंट है, ऊपर भी करंट है, दोनों तरफ से करंट है, बहुत रिस्की है, इतना ईजी नहीं है। अगर बाई चांस कोई बंदा गाड़ी चला कर नीचे गिर गया तो उसको करंट लग सकता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर लोग पट्टा बांधते, हम लोग पट्टा बांध के बैठ के चलाते गाड़ी नहीं, तो दोस्तों काफ़ी रिस्की है ये, ऊपर भी करंट नीचे भी, करंट का जो वोल्टेज भी है काफ़ी हाई लेवल के वोल्टेज है, लेकिन मज़ा आ गया इसके। तो उसके बाद हम निकल गए हमारे घर के लिए, और घर के बाद दोस्तों काफ़ी रात का जो व्यू था, रात का जो मतलब लोकेशन, मतलब रात में क्या लग रहा दिखने में, काफ़ी अच्छी जगह लग रही दिखने में, काफ़ी लाइटिंग का मज़ा, पानी का मज़ा, रिवर का मज़ा, काफ़ी अच्छा वाइब भी फील हो रहा था। तो अभी यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा भूतिया घर है, भूतिया टाइप का बनाया, देखो यहाँ पर अभी इसके अंदर देखो क्या क्या होता है। और दोस्तों इसके अंदर भी हमें बैठे दोस्तों, हमने जो टिकट लिया था तो ये सब जो एंडिंग हमको दिखा थे उसका भी मज़ा हमने उठाया। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अंदर से दिखाऊँगा कितना मज़ा आता है, दोस्त उंगली कर रहे हैं वही उंगली तेरे पीछे घुमा कर डाल देता है, ऐसा भी हो सकता था। क्या है खाली ऐसे जाके ले आना है क्यों? अरे मैं तो डराया हुआ हूँ, तो सामने आ रहा है तो आए बस हाँ, मतलब मैं जाऊँ मनाने का, मैं बाइक ले जाऊँ, आएगा तो सब पता मारने का। Oh!
जा रहे हैं मिरर हाउस। तो मिरर हाउस के अंदर भी हम लोग आ गए कि दोस्तों हमारे पास जो टिकट था ना उसमें सारे एक्सेस थे घूमने के, तो सारे हमने मज़े लिए। और इसमें हम जब घुस रहे तो समझ में नहीं आ रहा किधर जाओ किधर नहीं जाओ। तो पैसे का पूरा इन्जॉयमेंट तो किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बट इतना ही बोलूँगा, हॉलीडे में जब लगे कि बहुत बड़ी हॉलीडे है, आप पब्लिक बाहर निकल लो घूमने जा रही है, तो उस समय मत आना। किधर भी जाना, वाटर पार्क कौन से भी वाटर पार्क जाना हो तो मत जाना, कि बहुत खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ। और दोस्तों आपको वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे दोस्तों के लिए भी करना लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों। चलो बैठे चलो।